एक और अनुग्रह दिन दान में देने वाले परमेश्वर को सारी आदर और महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं का ध्यान प्रेरितों की लिखी पुस्तक के 8वें अध्याय के 5वें वाक्य की ओर लेके चलना चाहता हूँ। वहाँ वचन ऐसा कहता है, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। इस अध्याय में से हम एक साथ फिलिप्पुस एक सत्य सुसमाचार प्रचारक के जीवन के बारे में मनन करने जा रहे हैं। इस पूरे अध्याय में हम फिलिप्पुस जो कि एक सत्य सुसमाचार प्रचारक है के जीवन की कुछ ऐसी विशेषताएं देखते हैं जो कोई भी सुसमाचार प्रचारक या माता पिता या आत्मिक गुरु अपने जीवन में अपनाते हैं। पढ़े हुए मुख्य वचन का शुरुआती भाग इस प्रकार है, फिलिप्पुस सामरिया नगर में गया। हम जानते हैं कि सामरिया के लोगों में और यहूदी लोगों में किसी प्रकार का संपर्क नहीं है, लेकिन फिलिप्पुस परमेश्वर के वचन के कारण ऐसे स्थान में जहां संपर्क नहीं है वहां संपर्क स्थापित करता है। इस प्रकार फिलिप्पुस के जीवन से पहली विशेषता जो हमें सीखनी चाहिए कि हमें अपने समूह से या समाज से हमेशा संपर्क बनाए रखना चाहिए। दूसरा, हम देखते हैं कि उसने उन लोगों में मसीह के बारे में प्रचार किया। क्या है यह प्रचार जो मसीह के बारे में उसने किया? दाऊद के वंश में जन्म लेकर बड़ा होकर मृत्यु पाने के बाद जी उठने वाले मसीह का सुसमाचार। आज के सुसमाचारों में जब मसीह को छुपा कर रखा जाता है, तब यहाँ फिलिप्पुस मसीह के बारे में बिना कुछ छुपाए पूरी तरह सब कुछ प्रकट करता है। तो अब तक हमने देखा कि पहली विशेषता संपर्क बनाए रखना, और दूसरी विशेषता सुसमाचार, और तीसरी विशेषता है अपने सुसमाचार का फल यानी बपतिस्मा। इसी पढ़े हुए अध्याय के 12वें वाक्य में हम देखते हैं कि सामरिया के लोगों ने फिलिप्पुस का भी विश्वास किया और उस सुसमाचार का भी जो फिलिप्पुस ने उनके बीच में बांटा, और इसी के फलस्वरूप पुरुष और महिलाओं का एक बड़ा जनसमूह बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुआ। चौथी विशेषता जो फिलिप्पुस के बारे में हम देखते हैं कि जब उसने जाना कि यहाँ के लोगों ने बपतिस्मा तो ले लिया है और परमेश्वर को स्वीकार भी कर लिया है, परंतु पवित्र आत्मा का वरदान नहीं पाया है, तो उसने यरूशलेम से प्रेरितों को बुलाया और प्रेरितों ने इन लोगों के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार चौथी विशेषता हम देखते हैं कि वह दूसरे सुसमाचार प्रचारकों के साथ भी मेलजोल बनाए रखने वाला व्यक्ति था। इसी प्रकार हमें भी हमारे साथ काम करने वाले या हमारे साथियों के साथ अच्छा मेलजोल बनाए रखना चाहिए। उसकी पांचवीं और प्रमुख विशेषता हम इसी अध्याय के 26वें वाक्य में देखते हैं कि सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस पवित्र आत्मा में स्वतंत्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसके चारों तरफ अद्भुत कार्य देखने वाले काफी लोग सामरिया के नगर में थे। इनके साथ साथ परमेश्वर की सेवकाई में एक अच्छे उदाहरण के रूप में काम करने वाले पत्रस और यूहन्ना भी फिलिप्पुस के साथ थे, लेकिन इन सब से बढ़कर परमेश्वर की आत्मा में स्वतंत्र जीवन जीने वाला सुसमाचार प्रचारक था फिलिप्पुस। फिलिप्पुस की छठी विशेषता यह थी कि वह परमेश्वर के वचन को स्पष्ट रूप से बांटता था। इसी अध्याय के 35वें वाक्य में हम देखते हैं कि फिलिप्पुस एक व्यक्ति को जो कूशियों की रानी का मंत्री और खजांची था, पवित्र शास्त्र का ज्ञान स्पष्ट रूप से बांटता है। और हम 37वें वचन में आगे देखते हैं कि फिलिप्पुस उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तू सारे मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है, और इस प्रकार वह उस व्यक्ति को बपतिस्मा देता है। यहाँ फिलिप्पुस के सुसमाचार को स्पष्ट रूप से बांटने के कारण और पूरे मन से विश्वास करने के द्वारा बिना किसी बाहरी प्रेरणा के वह व्यक्ति बपतिस्मा लेता है। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, आज के दिन में हम भी दूसरों के साथ में संपर्क बनाए रखने वाले हों, और दूसरी बात कि हम सत्य सुसमाचार को प्रकट करने वाले हों, तीसरी बात कि उस सुसमाचार के द्वारा अनेकों को बपतिस्मा की ओर हम लेकर के आएं, चौथा साथी विश्वासियों के साथ में हम मेलजोल बनाए रखने वाले हों, पांचवा हम पवित्र आत्मा में स्वतंत्र बने, और छठा कि हम इस सुसमाचार की जीवन की और वचन की स्पष्टता दूसरों को बांटने वाले हों, और सातवीं विशेषता कि हम पूरी तरह से सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटने वाले बने। फिलिप्पुस कई आत्मिक पिताओं के लिए एक अच्छा उदाहरण है। प्रेरितों की पुस्तक के 21वें अध्याय के 8वें वाक्य में हम देखते हैं कि फिलिप्पुस की चार कुमारी पुत्रियां थीं जिन्हें उसने संसार के सारे मोह और प्रलोभन से दूर रखकर भविष्यवाणी करने की सेवकाई में बड़ा किया और अपना घर अनेकों के लिए अतिथि सत्कार के रूप में खोल दिया। ऐसे अतिथि सत्कार करने वाले के रूप में हम फिलिप्पुस को देखते हैं। आइए हम भी अपने जीवन को समर्पित करें और इस सत्य सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस के जीवन की विशेषताओं को अपने जीवन में हम अपनाएं, और इसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।